आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ब्रेन के प्रॉब्लम जो हमको दिखाई देते हैं कि उसको मनोविकार भी है और ब्रेन के भी प्रॉब्लम मतलब झटके भी है ऐसे रूप में। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम या बीमारी जो है वो है झटके की बीमारी। उसको अकड़ी या झटके या फिट्स या मिर्गी एपिलेप्सी ऐसा बोला जाता है। तो आइए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला नागपुर पुणे मुंबई ये हमारे हॉस्पिटल्स है। ये एपिलेप्सी जो बीमारी है ये बहुत ही कॉमन है। वैसे देखा जाए तो जनरल पॉपुलेशन में आम आबादी में 100 में से एक व्यक्ति को ये एपिलेप्सी की बीमारी दिखती है मतलब झटके या अकड़ की बीमारी दिखती है। यह ब्रेन की बीमारी है और इसमें से 30-50% लोगों को साइकेट्री मतलब मानसिक बीमारी भी दिखाई देती है और विशेषतः व्यक्तिमत्व में बदलाव ये बीमारी आती है झटकों के साथ में। इसमें होता क्या है, ये बीमारी में कुछ मिनट से कुछ घंटे तक आदमी बेहोश रहता है। शुरू में एकदम इतना जोर से झटका आ जाएगा कि शुरू में झट से वो गिर जाएगा नीचे। जब नीचे गिरता है तो कहीं उसको मार लग सकती है, दिमाग को चोट पहुँच सकती है और एकदम सडनली बेहोश हो जाएगा। ऐसा आवाज़ करेंगे वो ऐसा आवाज़ करके एकदम ऐसा नीचे गिर जाएगा, उसको कहीं लगेगा, मुंह में झाग आएगा और हाथ पैर में ऐसे झटके मारेगा, ऐसा 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 पूरे हाथ और पैर झटके मार रहा है, मुंह टेढ़ा है, आंखें ऊपर है और पूरा पूरा बदन उसका ऐसा 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 हिल रहा है और वो कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक वो हिलेगा, झटके मारेगा और धीरे 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 झटकों का स्पीड कम हो जाएगा और वो आराम से धीरे धीरे कम होते होते झटके बंद हो जाएंगे। बाद में उसकी आंखें समझो एकदम ऐसी ऊपर गई हुई है ना, ऐसा देख रहा है वो, आंखें बंद नहीं है, झाग आया हुआ है, जबान कट गई है, यहाँ और कहीं मार लगी हुई है, ऐसा भी हो सकता है। ये आदमी रास्ते पे भी गिर जाता है, गाड़ी चला चलाते ऐसा झटका आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसका ये देखना पड़ेगा कि इसका इलाज क्या है। वो कुछ समय बाद में होश में आ जाता है और खुद होके उठ के निकल जाएगा। वैसा देखा जाए तो एपिलेप्सी झटका जो उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो जब गिर जाता है उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि गैस के पास में गिर गया जल जाता है, पानी के पास में गिर गया तो डूब जाता है, व्हीकल चलाते चलाते यदि एक्सीडेंट हो गया गिर गया तो मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे लोग। तो प्रॉब्लम ये है, उसमें डायग्नोसिस करना जरूरी है कि भाई ये कोई ब्रेन के ट्यूमर की वजह से प्रॉब्लम है क्या, कोई गठान है क्या, कोई झटके कोई सूजन की वजह से आ रही है या बॉडीली कोई प्रॉब्लम है, शुगर कम है, शुगर बढ़ी हुई है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मतलब झटके आए क्यों आ रहे क्यों। यदि कोई भी कारण बदन में दिखाई देता नहीं है और तभी भी झटके आ रहे, इसका मतलब वो जो पेशियां जो ब्रेन की है न्यूरॉन्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त फायरिंग कर रहे और उसकी वजह से झटके दिख रहे। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसका सीटी स्कैन करो, एमआरआई करो काम पड़ा तो, और बाकी भी कोई बीमारी है उसको एक्सक्लूड करो और उसमें दवाइयाँ देके ये 100% ये बीमारी अच्छी हो सकती है यदि कोई भी बाकी प्राइमरी कंडीशन ना हो तो। बच्चों में इसकी शुरुआत हो जाती है 7-8 साल 10 साल की उम्र में और फिर यदि इलाज नहीं किया तो आगे ज़्यादा झटके आते जाते हैं। कुछ बच्चों को बुखार के बाद भी झटके आते हैं, कुछ बच्चों को स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ब्रेन में, मतलब ब्रेन में कोई तो भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन का इलनेस है, उसकी वजह से आते हैं। आमतौर पे यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है और तभी भी झटके आ रहे हैं तो 101% ही बीमारी अच्छी हो सकती है, उसका इलाज होना ज़रूरी है। और 1% आबादी मतलब कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, मगर लोग उसको चप्पल सुंघाएंगे, कांदा सुना मतलब जो प्याज है वो प्याज सुंघाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ता। झटका आ गया तो उसको सेफ जगह पे लिटाओ, उसका मुंह एक तरफ लेके जाओ, ऐसा पलटा देना मुंह, कहीं उसको लग ना जाए कुछ भी वो केयर लेना, कुछ समय बाद में व्यवस्थित आप ही आप होश में आ जाएगा।
कम से कम 3 साल दवाई लेनी पड़ती है, 3 साल दवाई लिया तो 101% उसको फायदा हो जाएगा। लोगों को ये मालूम ही नहीं है, लोग घूमते रहते हैं, इलाज नहीं करते प्रॉपरली, 3 साल दवाई लेते नहीं हैं। तो ये वीडियो जरूर लोगों को फैलाओ, आपके फेसबुक के व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर फैलाओ। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल का आइकॉन होता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। लोग हमें फ़ोन के ऊपर काउंसलिंग करते हैं अलग अलग उनके मानसिक प्रॉब्लम के लिए, आप फ़ोन से हमको काउंसलिंग मतलब हमारा ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मतलब जरूर शेयर करो ताकि हमारा जो मिशन है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।